हम इस वीडियो में जीएसटी की कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में बात करेंगे और ये टेक्निकल टर्म्स जो है वो जीएसटी में जीएसटी का बेसिस बनते हैं। तो हम बात करने वाले हैं सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी की। ये क्या टर्म्स मीन करते हैं, इनका क्या फुल फॉर्म है, ये अभी हम समझ लेते हैं। तो सीजीएसटी जो है उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म है यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और आईजीएसटी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक साहब, तो ये जो सीजीएसटी है यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो जो लेवी होता है और कलेक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। यानी कि आप इस पिक्चर में देखिए तो ये मोदी जी हैं, मोदी जी की जो सरकार है, मोदी सरकार जो है वो सीजीएसटी जो है वो लगाएगी और उसे कलेक्ट करेगी। ठीक है, और एसजीएसटी कौन कलेक्ट करता है, एसजीएसटी करती है स्टेट गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स यानी कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट्स हो गई या फिर राजस्थान गवर्नमेंट हो गई या फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट हो गई, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हो गई, ये एसजीएसटी लगाएंगे और उसे कलेक्ट करेंगे। एसजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। साथ ही साथ यूनियन टेरिटरीज का भी एक फीचर होता है हमारे इंडिया में, और वो यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं वो दो टाइप की होती है, एक होती है विद लेजिस्लेचर और एक होती है विदाउट लेजिस्लेचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली, पुडुचेरी, ये जो यूनियन टेरिटरी होती है ये विद लेजिस्लेचर होती है, यानी कि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, स्टेट इलेक्शन होते हैं, और वहाँ पे जो स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो लोग अपनी सरकारें चुनते हैं। जैसे दिल्ली में जो है फिलहाल अरविंद केजरीवाल की सरकार है, तो अरविंद केजरीवाल की सरकार है तो वो विथ लेजिस्लेचर कहा जाता है वो यूनियन टेरिटरी को। वहीं पे चंडीगढ़ अगर हम देखें तो वो विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी कि वहाँ पे स्टेट इलेक्शन नहीं होते हैं। तो अगर यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर है तो उनको जो पावर दी गई है उन्हें एसजीएसटी लगाने की पावर दी गई है, यानी कि यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर जो हैं वो एसजीएसटी लगा सकते हैं। तो फिर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर यूटीजीएसटी लगा सकते हैं, यूनियन टेरिटरी नहीं लगाएगी उनके एवज में स्टेट गवर्नमेंट ही, सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूटीजीएसटी लगाएगी। यानी कि सीजीएसटी और यूटीजीएसटी दोनों जो है वो लेवी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और कलेक्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी। तो ये है बनवारी लाल पुरोहित जो गवर्नर है फिलहाल चंडीगढ़ यूटी के, यूनियन टेरिटरी के, चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के, और ये यूनियन टेरिटरी जो है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी कि वहाँ पे जो है वो सरकारें नहीं चुनती है लोग। ठीक है, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं इलेक्ट होती है क्योंकि वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहाँ पे जो टैक्सेस होएगा जीएसटी टैक्सेस वो इस टाइप से होएगा कि सीजीएसटी तो मोदी सरकार लेगी लेगी, यूटीजीएसटी भी सरकार लेगी। तो इस तरीके का फंक्शनिंग होती है। अब उससे उसके बाद मैं आपको दो कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। एक होता है इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। इंट्रा यानी कि अंदर, स्टेट के ही अंदर जो होने वाले ट्रांजैक्शन है उसे इंट्रास्टेट बोलते हैं, और इंटरस्टेट जो होते हैं वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसे इंटरस्टेट बोलते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि एक व्यापारी अगर राजस्थान में है और मध्य प्रदेश का व्यापारी या मध्य प्रदेश का व्यक्ति जो है वो उस राजस्थान वाले के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, सपोज माल मंगवा रहा है, गुड्स मंगवा रहा है, तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन हो जाएगा, वो इंटरस्टेट हो जाएगा क्योंकि दो स्टेट्स इन्वॉल्व हो रही हैं। वहीं अगर मैं मध्य प्रदेश का व्यापारी जो है वो मध्य प्रदेश के व्यापारी के साथ ही बिजनेस कर रहा है तो उसे इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन लगता है बोलते हैं। तो आप ये देखिए कि ये दो टाइप के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बेसिस होते हैं कि किस तरीके से वो व्यापारी प्लेस है। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल राजस्थान में कोटा स्टोन मिलता है, और ये कोटा स्टोन जो रहता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है और वो राजस्थान के लिए यूनिक रहता है। तो अगर कोई मध्य प्रदेश का पर्सन जो है वो राजस्थान से कोटा स्टोन मंगवा रहा है तो इसे जो है इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बोलेंगे। और फिर वो अगर व्यापारी जो है वो कोटा स्टोन यहाँ पे रख रहा है और फिर वापस किसी कंज्यूमर को बेच रहा है तब वो इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो बेसिकली फीचर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का ये रहता है। अब जब ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट होती है
यानी कि विदिन स्टेट होती है तो टैक्सेस लगते हैं CGST, SGST, अगर विद लेजिस्लेचर यूटी है या स्टेट गवर्नमेंट है तो, या फिर CGST, UTGST, अगर यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर है तो। बट अगर अगर ट्रांजेक्शन कुछ इस टाइप से है जहाँ पे इंटर स्टेट हो रहा है ट्रांजेक्शन, यानी कि एक स्टेट और दो स्टेट दूसरी स्टेट को माल बेच रही है, तब यहाँ पे CGST SGST की लगने की जगह जो लगता है वो लगता है IGST। अब ये IGST का फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इंटर स्टेट सप्लाई आर सब्जेक्ट टू इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये IGST कितना लगेगा? ये बेसिकली सम टोटल होएगा CGST SGST का। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं जो है डोमिनोज पिज्ज़ा की डिलीवरी जो है, एक एग्जांपल है, मैं राजस्थान से मध्य प्रदेश में करवा रहा हूँ और वो वही अपना 30 मिनट्स का वादा पूरा कर रहे हैं और प्राइवेट जेट से बेच रहे हैं मेरे पास, तो वो SGST CGST नहीं लगाएंगे, वो IGST लगा के देंगे यहाँ पे। तो ये एक एग्जांपल है जिससे आप समझ सकते हैं। वहीं अगर मैं घर बनवा रहा हूँ, कोटा स्टोन मंगवा रहा हूँ अपने घर पे, और वो कोटा स्टोन आएगा राजस्थान में, मैं हूँ मध्य प्रदेश में, तो वो राजस्थान का जो व्यापारी है वो IGST लगा के देगा मुझे। ठीक साहब, तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया है कि किस तरीके से IGST और CGST लगता है। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से समझ में आएगी।